दोस्तों साल की शुरुआत कुछ धमाकेदार चीज से यहाँ पे होनी चाहिए तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एवर भाई ऑल इन वन पीसी पे चले गए सबसे पहले तो आप सभी को है, हैप्पी न्यू ईयर पिछला साल धुआं उड़ा दिया और इस साल फिर से भाई टैक अजब जब, जब, जब गए इस साल तो और मजा आएगा बाकी आज हमारे पास भाई फर्स्ट टाइम हम लोग यार ऑल इन वन पीसी पे जाने वाले हैं यस yes, दोस्तों बस यही उपकरण अब बचा था मतलब हाँ, हाँ हमने मोस्टली ज्यादातर पीसी वर्ल्ड में जितनी चीजें ना लपेट लपेट के एक कर दिया बट ऑल इन वन पीसी बचा था मैंने सोचा न्यू ईयर पे लपेट आ जाए अभी और भी खतरनाक चीजें आने वाली है इस साल तो धुआं उड़ाएंगे भाई मजा ही आ जाएगा बिल्कुल बाकी आज ऑल इन वन को सबसे पहले लपेटते हैं अब बेसिक यार अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं आ जाओ चलिए दोस्तों फिर इनबॉक्सिंग शुरू करते हैं अब ये अपना सबसे पहले यार बॉक्स आ गया यहाँ मैं ऊपर से इसको यार ये सबसे पहले यहाँ से खोलते हैं भाई मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये सब चीजें कर रहा हूँ बाकी हाँ यार ऑल इन वन पीसी

इन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक पीसी बना दिया मतलब हाँ ये मॉनिटर तो के, के अंदर वैसे फेमस हुआ था इसके अंदर और उसके बाद मुझे लगता है सारी कंपनियों ने अब करना एचपी का है जैसे डेल का भी मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे वेरियंट आते हैं बाकी मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको पहले क्लियर कर देता हूं सबसे पहली तो चीज ये जो अपना एयर ऑल इन वन पीसी रहता है इसके अंदर पोर्ट्स भी अगर आप देखोगे

बाकी यहाँ कंप्लीट ये मैंने व्हाइट वेरिएंट लिया वैसे व्हाइट ही नहीं आपको इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट भी मिल जाते हैं नॉट जस्ट व्हाइट ये पूरा सिस्टम ही है मतलब कीबोर्ड भी इसका आप देखोगे काफी स्लीक लगता है देखने में कंफर्ट टाइप का ये तो है भाई एचपी के कीबोर्ड मैंने पहले भी काफी बार यूज करा है और उसी हिसाब का है मतलब अच्छा लगता है एक हाथ में जो फील आता है ना की का वो काफी अच्छा है माउस भी इवन सेम यार माउस भी इसका काफी सही लगा मतलब इतना हाई नहीं है लाइक गेमिंग माउस की तरह नहीं है कि आपको डीपीआई बटन ये सब चीजें मिल रही है बट हाँ नॉर्मल देखा जाए तो एक नॉर्मल पीसी के हिसाब से काफी डिसेंट है के अलावा रैम की बात करूं तो ये मॉडल

लेते हैं चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ सेटअप देख सकते हो यार मॉनिटर मतलब की पूरा ऑल इन वन पीसी और ये की आ गया और ये बगल में माउस पूरा व्हाइट है यार गलत ही कलर कल, ही एकदम गजब है बाकी हाँ मैं आपके थोड़े स्नेह के लिए मैं यहाँ पे यार कैमरा भी बाहर निकाल देता हूँ और ये मैं यार राइट साइड से दबाता हूँ ऑन का बटन और यार सिस्टम स्टार्ट हो गया शायद फैन भी अपने को इनबिल्ट मिलता है वहाँ देख सकते हो लाइट आ चुकी है ठीक है ओके यार एचपी की ब्रांडिंग अगेन यार मदर इन्होंने अपना यूज किया है बाकी ये सिंपल स्टार्ट हो गया मुझे उम्मीद है सबसे पहले तो मेरे को लगता है विंडोज इलेवन का सेटअप करना पड़ेगा बाकी विंडोज इलेवन इसके अंदर कैसे दे दी मैं तो ये सोच के यार हूं इंटर सेलिरोन है भाई इन एक चीज और नोटिस करा दू की माउस में अपना कोई यार लाइट वाइट का सिस्टम नहीं अगर आप ये सोच रहे हो तो ये देख सकते हो बाकी क्या फील है भाई की का जो अलग ही टच है ना मजा आ गया भाई सही में बहुत अच्छा कीबोर्ड है मतलब टाइपिंग के लिए मजा आ जाएगा उस तरीके का है मेरे को कीबोर्ड ही सबसे अच्छा लगा ठीक है और एक और चीज काफी अच्छी लग रही है मेरे को ये सिस्टम इसको खोल के अंदर देखने का बहुत मन है वो अगले पार्ट में करते हैं बाकी अगेन दोस्तों इसमें विंडोज इलेवन इन्होंने डाल दिया पता नहीं क्या सोच के करा है बट चलो वही हुआ दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ विंडोज इलेवन का मेरे पास सेटअप आ गया ये देख सकते हो ठीक है ना वही अपना यार कंट्री वंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा माउस कहाँ गया माउस आ गया यस तो यहाँ पे माउस का क्लिक भी बड़ा अच्छा है मतलब वही बेसिक जितने काम रहते हैं ये विंडो सेटअप वाला ये हमने यार विंडोज टेन जब इंस्टॉल करी थी वही सब चीजें नहीं होती है वो सब है तो मैं फटाफट से ये चीज पहले सबसे पहले सेटअप कर लेता हूँ फिर आपसे मुलाकात करता हूँ डायरेक्टली विंडोज पे बाकी चलो दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ थोड़ी चीजें अंदर से दिखाता हूँ स्क्रीन से ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले मैं बेसिक आपको यार एक बार इसका कैमरा भी दिखा देता हूँ क्या ही दो मेगा पिक्सल में दे रहे हैं तो मैं ज्यादा देर नहीं आप देख सकते हो हेयर आई एम ओपनिंग और भाई ये दो मेगा क्या है ये सिस्टम मतलब इतना ब्लर बहुत ब्लर है भाई ये ये है इनका फुल एच डी क्वालिटी है ये मैं हटाऊँ अच्छा आप थोड़ा सा क्लियर हुआ देख रहे हो ये पन्नी वन्नी हटाने के बाद थोड़ा बहुत क्लियर मामला हुआ बट अभी भी यार ये वन जीरो एट जीरो टाइप का तो कम है पर चल जाएगा कैमरा हाँ कैमरे में दम है ऐसा बात नहीं इतनी बुराई नहीं करेंगे बाकी मैं इसको बंद कर रहा हूँ ओपन तो नहीं लगी थी आगे इस कारण हुआ बाकी अब आप मैं आपको यार डिस्प्ले देख लो अगेन यार यहाँ पे अगर मैं आपको विंडोज एक्टिवेट है कि नहीं वो भी दिखा देता हूँ लाइक आप अगर आप खरीदते हो ये सब देख रो कितना स्लो चल रहा है अभी तक ये लिखी रहा है जो मैं लिख चुका हूं देख रो ये विंडोज एक्टिवेटेड मिलती है सिंगल लाइसेंस होम सिंगल लाइसेंस तो इस अकाउंट के साथ है और डिजिटल पे है एक्टिवेटेड है मतलब इसी सिस्टम के लिए बेसिकली यहां से मैं बंद करता हूँ एक बार फिर से दिखाता हूं ये देखो मैं लिखूंगा लिख चुका हूँ मैं विंडोज और यहाँ पे लिखा रहा है देख रहे हो तो ये है कुछ

और मतलब वही इंटेल के ही चलेंगे तो ये कुछ सिस्टम है ऑल इन वन पीसी अगेन यार बाकी बेसिक अगर दिखाऊं तो यार ठीक है यहाँ बेसिक काम लाइक यार स्टोर खोल दिया मैंने यहाँ पे खोल दिया यूट्यूब पे चलते हैं देख सकते हो भाई वीडियो चलाने में भी थोड़ी सी इसकी हालत पंचर हो रही है यहाँ हमारी कल वाली वीडियो तबाहीदार थी अगेन स्मॉल पीसी और यहाँ देख सकते हो क्या ही सिस्टम चल रहा है मतलब ठीक है वीडियो प्ले के लिए इतना भी खराब नहीं है बाकी हाँ यहाँ स्टोर देख रहे हो अब जाके खुला है कब का मैंने खोला था अभी तक खुला नहीं है देख लो ये वेबसाइट सर्फिंग करना बेसिक काम करना अगेन भाई जो लोगों को बहुत ज्यादा नेचुरल काम है बिल्कुल बिजनेस या एकदम बेसिक काम है उनके लिए और एक सिंगल चाहिए जगह भी इतनी स्पेस नहीं चाहिए तब सोचना मेरे को तो समझी नहीं आता लोग ऑल इन वन इतने घटिया आई मैक मैं प्रेफर करूंगा वो अच्छा एप्पल का ये सब जो है ना ये एचपी बना दिया ये सस्ते में ऐसा फंद दिया ना, जो भाई घटिया वाली एहसास है देख रहा स्टोर अभी तक नहीं खुला यार, मैं क्या नेट मेरा फास्ट है यारी सारे उसी से चल रहे अब वहां ये हालत है देख सकते हो अलग अलग चीजें गई बंद करो हटाते हैं मिल रहा है तो ये भी फायदेमंद चीज है

थोड़ा यार इंप्रूवमेंट यार प्रोसेसर में होता ना तो मजा आ जाता बाकी बेसिक कामों के लिए ही है यार उसी तरीके का समझ सकते हो अलग ही सिस्टम चल रहा है बाकी चलो ये कुछ इंटरनल सीन था बाकी मैं थोड़ी गेम्स भी दिखा देता हूँ माइनक्राफ्ट टाइप दोस्तों चलो अब गेम टेस्ट कर लेते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया माइनक्राफ्ट और मैंने जी टी एफ भी यहाँ पे डाल ली थी पर मुझे नहीं लगता भाई GTA 5 ये कहीं से भी चला पाएगा क्योंकि अगर माइनक्राफ्ट ही देखू तो यहाँ देख सकते हो ये लैग देख रहे हो आप। आपके सामने है सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ये है यार आज के टाइम के तीस का जो ऑल इन वन कंप्यूटर है इसलिए बार रहा हूँ भाई इतनी घटिया परफॉर्मेंस है ना गेमिंग के इंटल सेलिरोन अगेन समझ आता है तो ये होना ही एक बेशक है आई थ्री का भी कोई जनरेशन होता है टेंथ वेंथ तो बात थी पर सोचो यार आए ऑल इन वन पीसी का क्या हाल चल रहा है इंडिया में ही और ये देख रहे हो यार ये नहीं एज्यूम कर सकता आदमी तीस हजार देने के बाद बट वही है कंफर्ट के अंदर ये चीज चली गई ना मॉनिटर के अंदर सारा सेटअप वेटअप करना तो उसके ऊपर जो पैसा लगना था वो प्रोसेसर वाला वो इसमें लग गया वही वाली बात है बट जो भी रहे एट द एंड ऑल इन वन पीसी भाई ये सब काम के लिए तो बिल्कुल नहीं है बाकी बेसिक तो मैंने आपको दिखा दिया वो सब सही चल रहा है बाकी देखो माइनक्राफ्ट के जब ये हाल है भाई इतना लैग हो रहा है माइनक्राफ्ट जैसी गेम में जहां पे इतना मैटर नहीं करता इतना ये सब चीजें ग्राफिक्स ग्राफिक्स तो GTA 5 तो बिल्कुल रो देगी भाई वो वाली बात है तो छोड़ ही देते हैं वो तो ये कंप्लीट और और सीन था। साल की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी एकदम रोमांचक थी तो इन वन पीसी है। और भी ट्राई करते हैं इन फ्यूचर मजेदार चीज है और प्रोसेसर रद्दी के तो वही है। दिमाग में रख के चलना अगर आप हो इससे अच्छा डेस्कटॉप ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो बाकी चलो एक ऑल इन वन बचा हुआ था लाइन से आज कर दिया इसको भी लपेट दिया नए साल में बाकी चलो इस वीडियो मेंगेन यार लाइक कर देना सब्सक्राइब बनता है यार, टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर सकते हो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम